असलम अवर टूडेज टॉपिक इज सेल फर्स्टलीट इज सेल सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल इफ यू सेनी थिंग लिविंग तो दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ सेल हर जानदार जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो जिस बुनियादी जुज से या चीज़ से बना हुआ है वो सेल कहलाता है सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा हिस्सा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है अगर हम नंबर ऑफ सेल्स की बुनियाद पर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स। वन इज यूनि ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम एंड द अदर वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम फर्स्टली वी विल डिस्कस यूनि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर

इंसट्रूमेंट यूज करना पड़ता है वी नीड माइक्रोस्कोप टू विजुअलाइज दैम फिर एग्जैम्पल्स आते हैं वन इज युगलीना एंड अदर वन इज द कलेमाइडोमोनास दे आर अदर मोर एग्जैम्पल्स ऑफ यूनिसेर ऑरगैनिजम विच आर अमीबा पैरामिशियम एंड सम अदरस ओके नाउ कम टू द अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गैनिजम विच इज मल्टी सैल्युलर ऑरगैनिजम मल्टी मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मोर दैन वन सेल वो जानदार जो एक से ज़्यादा सेल से मिल के बने हों चाहे वो दो हों दस हुँ, मिलियन्स हो मिलियंस हो ट्रिलियनस उस हो उससे ज़्यादा हो वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म ये थोड़े से एडवांस होते हैं बड़े होते हैं यूनीलर के मुकाबले में और इनके जो बॉडी फंक्शनस हैं वो भी ज़्यादा एडवांस और डेवलप होते हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी यूनिसेर के मुकाबले में कॉम्प्लिकेटेड या एडवांस होता है इनकी एग्जाम्पल में फ्यू एग्जाम्पल दैट आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू आर कैट एंड द रोज और मैनी एग्जाम्पल्स आर प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग आल्सो। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे सराउंडिंग में इसके अलावा भी मौजूद हैं वी आर बींग्यूमन ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम सेल्स के टाइप में बात करते हैं स्ट्रक्चर की बुनियाद पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड द ऑर्गेनल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल वन इज एनिमल सेल विच इज प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑल्सो इन द द्यूम दे आर एनिमल सेल एंड अदर क्लास अदर टाइप ऑफ सेल इज प्लांट प्लान्टल विच इज़ प्योरली प्रेजेंट इन अ प्लांट ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही मौजूद होते हैं और प्लांट्स में ही पाए जाते हैं